Hi friends, welcome to YouTube my channel. I am Nitin Chitab. How to read central line plan, how to read schedule top RCC columns, how to read schedule top RCC footings. आज के इस टॉपिक में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रल लाइन प्लान को कैसे रीड करते हैं, फुटिंग को कैसे रीड करते हैं और कॉलम को कैसे रीड करते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बिल्डिंग की लेंथ है, ये कॉलम फेस है। तो यहाँ कॉलम से फेस से लेके यहाँ तक 34 मीटर 200 का कॉलम एंड हो जाता है। तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी वेड्थ है। ये जीरो से लेके इसकी वेड्थ है 14 मीटर 100। इस हिसाब से तो यहाँ पे देखो, ये कॉलम नंबर एक दिखा दिया है। तो उसका जो फेस है, फेस से ये 230 कॉलम है। उस कॉलम की साइज़ है 230 बाय 530 है। तो यहाँ से कॉलम नंबर एक है और यहाँ पे कॉलम नंबर टू है। तो एक नंबर के कॉलम के फेस से दो कॉलम आ जाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल लाइन आ जाती है वो 115 पे आ जाती है। यहाँ पे देखो 115 पे है। तो एक नंबर और 46 नंबर, तो एक नंबर यहाँ पे है और ये 46 नंबर की सेंट्रल लाइन एक है। उसके बाद हमको आगे सेंट्रल लाइन पे जाते हैं। तो ये 14 नंबर, 27 नंबर और 37 नंबर। तो ये 14 नंबर है और ये 27 नंबर। और यहाँ पे देखो, ये कागज़ पे मैंने दिखा दिया है कि ये वाई एक्सिस में और ये एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे ये कॉलम का फेस दिखा दिया है। यहाँ से ये कॉलम का फेस है और ये कॉलम का वाई एक्स एक्सिस में यहाँ पे कॉलम का फेस दिखा दिया है। तो यहाँ से ये कॉलम नंबर एक है, वो कॉलम है 530 का कॉलम है ये, और ये 460 का कॉलम है। कॉलम नंबर टू इसकी साइज़ है, इसकी साइज़ 230 बाय 460, इसकी साइज़ है 230 बाय 460। और ये कॉलम नंबर थ्री है, तो इसकी साइज़ है 230 बाय 460। तो यहाँ पे, यहाँ से सेंटर से एक वाई एक्सिस में सेंटर से यहाँ से 115 हो जाता है। देखो यहाँ पे सेंटर लाइन इसका एक और 46 नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 46 नंबर है, तो इसकी जो सेंटर लाइन है वो 115 पे आ जाती है। और यह और यहाँ ये 115, तो ये 115, तो ये मिला के 230 हो जाता है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस दिखा दिया है कि ये जो दो नंबर कॉलम है, जो दो नंबर कॉलम है 3 मीटर, 3 मीटर 435, और यहाँ से 115, तो ये मिलता है 3 मीटर 320। तो इसका जो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका ये दोनों का सेंटर पकड़ के कितना मिलता है, इधर बीच में अंतर, तो ये डिस्टेंस मिलता है 3 मीटर 320 होता है। और यहाँ से ये दोनों मिलाएंगे तो इसका भार का फेस कितना मिलता है, तो ये 115 यहाँ पे और 115 यहाँ पे, तो ये 230 प्लस कर 50। तो यहाँ पे ये इसका जो भार का फेस से, ये भार का फेस डिस्टेंस 3 मीटर 550, और ये अंदर का सेंटर से सेंटर 3 मीटर 320 होता है। तो ये कहने का एक ये था कि ये वाई एक्सिस में मिला, तो एक्स एक्सिस में कैसे मिलता है। तो यहाँ से ये अभी देखो, ये दो ए और कॉलम नंबर दो, तो इसका जो ये है, ये देखो यहाँ पे दो नंबर है, ये दो नंबर है, तो उसका 230 है और दो ए का कितना है, दो ए का 2 मीटर 300। तो इसको कैसे करते हैं, 2 मीटर 300 दो बोले तो 230, तो ये 2 मीटर 70। तो इसमें से जो इसका सेंटर से ये सेंटर दो मीटर 70 मिलता है, 2 मीटर 70 डिस्टेंस मिलता है। ये 2 मीटर यहाँ से ये 2 मीटर डिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ से ये देखो इसका बाहर का फेस, ये फेस और ये फेस कितना डिस्टेंस मिलेगा। तो ये यहाँ पे देखने का है कि कहाँ पे ये जो है, ये कॉलम कितना 600 का है और ये कितना है 460 का कॉलम है। तो 460 का आधा होता है 230, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 230, यहाँ पे 230 और ये 600 है, तो ये 300 ऐड हो जाएगा यहाँ से ये 300 ऐड हो जाता है। तो इसका डिस्टेंस होता है, देखो कैसा होता है बाहर का फेस, 2 मीटर 70 प्लस 230 प्लस 300 होता है 2600। तो ये
आउटर आउटर, यहाँ से ये बाहर का बाहर के फेस से 2600 मिलता है डिस्टेंस। तो ये एक अच्छा सा सेंटर लाइन हम रीड कर सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार हम सेंटर लाइन रीड कर सकते हैं, कॉलम कौन सा है, उसका साइज कौन सा है और उसकी डिस्टेंस कौन सा है वाई एक्सिस में। और इस हिसाब से हम आगे के आरसीसी फुटिंग शेड्यूल कैसा रहता है और कॉलम शेड्यूल कैसा रहता है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो दिखा दिया है कि ये जो है फुटिंग का शेड्यूल्स। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर एक आ जाता है, तो ये कॉलम नंबर एक का फीसीसी साइज है 1900 बाय 1600। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये कॉलम नंबर एक है, उसका जो साइज है 1900 और ये विड्थ में देखो 1600 है, लंबाई में जो 1900 है और विड्थ में देखो 1600 है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसका जो कॉलम का साइज है, तो कॉलम का साइज, ये कॉलम का साइज है, ये इसमें एक नंबर कॉलम है, तो ये देखो उसका साइज है 230 बाय 530, तो वो दिखा दिया इसमें। तो ये हम इस प्रकार रीड कर सकते हैं। दो नंबर का कॉलम यहाँ पे देखो, तो दो नंबर का कॉलम का साइज है 230 बाय 460 है और उसका जो पीसीसी का साइज है वो 1830 है और विड्थ में देखो 1600 है। तो यहाँ उसका साइज पीसीसी साइज है और उसका जो आरसीसी साइज है, जो बॉस पेटी बोलते हैं, तो उसका साइज है एक नंबर कॉलम का 1600 बाय 1300 है, 1600 बाय 1300 अंदर का। तो और उसका जो डेप्थ है वो 550 है और आरसीसी रेनफोर्समेंट का जो स्टील बार है उसका जो देखो ये 10 mm का 11 बार है, ये जो है ये लॉन्ग बार है और ये जो 10 mm का 14 बार है वो शॉर्ट बार है, 10 mm ढाई का 14 बार है। उसी प्रकार ये कॉलम नंबर 2 है, तो ये कॉलम नंबर 2 का भी दिखा दिया है कि उसका जो पीसी साइज 1830 बाय 1600 है। उसके बाद आरसीसी जो पेटी की साइज है, आरसीसी जो भरने वाले हैं उसके जो पेटी की साइज है वो 1530 बाय 1300 की है, उसका डेप्थ है 500 का डेप्थ है और उसको जो लॉन्ग बार और शॉर्ट बार जो दिया है तो 10 mm का 11 बार दिया है और शॉर्ट बार दिया है वो 10 mm का 13 बार दिया है। ये हम इसी प्रकार पढ़ सकते हैं। उसके बाद हर एक कॉलम का ऐसा डिटेल में दिया हुआ है, तो ये हम इसी प्रकार पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो कॉलम का जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे इसको कॉलम का शेड्यूल दिया है। तो ये एक नंबर का कॉलम का शेड्यूल क्या दिया है कि उसकी जो साइज है वो 230 बाय 530 है और उसको जो मेन बार दिया हुआ है 16 mm का 8 बार दिया है और जो उसका जो रिंग दिया हुआ है वो 150 के स्पेसिंग पे 8 mm डाया का 150 के स्पेसिंग पे दिया हुआ है। उसी प्रकार दो नंबर का कॉलम का देखो यहाँ पे दिया है 230 बाय 460 उसका साइज दिखाया है और उसका 16 का 8 बार और 8 mm रिंग का 150 सेंटर पे स्पेसिंग है। तो ये हुआ ये फुटिंग से लेके फर्स्ट लैप तक। उसके बाद ये शेड्यूल बना हुआ है फर्स्ट लैप से लेकर सेकंड लैप तक, तो उसको क्या उस सेम साइज दिया है 16 का 8 बार है दिया है और साइज भी वही है और रिंग भी वही है। उसके बाद जो सेकंड लैप से थर्ड लैप तक उसका साइज चेंज हुआ है, बोले तो साइज चेंज नहीं हुआ है, कॉलम का साइज सेम है पर उसका जो मेन बार है वो 16 का 4 बार आया है और 12 का 4 बार आया है और स्पेसिंग वही सेम है और 8 mm डाया का रिंग है। तो उसी प्रकार इसका साइज अलग अलग चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हुआ है, एक नंबर का वो अलग है, दो नंबर का भी सेम है, फिर चेंज हुआ है बार में, फिर थर्ड से लेकर फोर्थ स्लैब तक देखो उसका भी चेंज हुआ है, दो 16 का 4 और 12 का 4 और इसकी साइज जो है वो जो 530 थी सेकंड स्लैब से थर्ड स्लैब तक, तो वो जो बनी है 230 से लेकर 460 है, जो साइज़ कम हो गई है। और आगे जाके उसकी साइज कम हो गया है तो उसका बार भी फोर्थ स्लैब से फिफ्थ स्लैब तक 12 mm का 8 बार आया है मेन बार और उसको स्पेसिंग 8 mm डाया का 150 स्पेसिंग पे रिंग आया हुआ है। फिर पांचवें स्लैब से रूफ तक उसका जो साइज़ बना है वो 380 है, 230 बाय 380 उसका साइज और कम हुआ है, तो उसको बार भी कम आया हुआ है, 12 का 8 बार आया है और रिंग सेम वही है। इसी प्रकार हम दूसरा कॉलम का भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जो कॉलम है उसको बाद में उसका साइज देखो सेकंड स्लैब में 460 आया है, जो 460 वो 460 ही आया हुआ है। फिर उसका आगे जाके पांचवे नंबर स्लैब पे पांचवी स्लैब और रूफिंग तक का वो 380 आया है, तो ये जो कॉलम का साइज वो चेंज हुआ है। और इसी प्रकार हम इसको सब कॉलम को पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार पढ़ने के बाद जो ये यहाँ पे दिखाया है
कि चार नोज का मेन बार है तो उसको कैसा रिंग आ सकता है, उसके बाद छः नोज का मेन बार है उसको कैसा रिंग आ सकता है, बीच में हुक आ सकता है, फिर आठ नोज का बार है उसको डबल रिंग कैसा आ सकता है, फिर ये जो चार सोलह का चार, बारह का चार है, बीस का चार और सोलह का चार है तो उसको आठ नोट्स का बार है तो उसको कैसा रिंग आ सकता है, उसी प्रकार दिखा। ये दस नोट्स का जो बार है, दस नोट्स का जो बार है उसको कैसा है रिंग आता है वो भी दिखा दिया है। इसी प्रकार ये जो है फुटिंग आरसीसी डिटेल दिखा दिया है, टिपिकल फुटिंग का जो उसका जो वर्टिकल बार और लॉन्ग बार जो दिखा दिया है वो इसमें दिखा दिया है, शॉर्ट बार और लॉन्ग बार दिखा दिया है, पीसीसी लेंथ के यहाँ पे दिखा दिया है तो वो दिखा दिया है। यहाँ पे देखो पीसीसी लेंथ है, यहाँ से उसका लॉन्ग बार है, यहाँ पे ये शॉर्ट बार दिखा दिया है और ये इसका रिंग कॉलम का रिंग दिखा दिया है, बीच में हुक भी दिखा दिया है और उसका वर्टिकल बार भी दिखा दिया है। उसके बाद उसका सेक्शन दिखा दिया है, यहाँ पे देखो एक सेक्शन है जहाँ पीसीसी का साइज़ कितना है, हाइट कितना है और कौन सा माल डालने वाला है वो दिखा दिया है। यहाँ से ग्राउंड फ्लोर लेवल तक वर्टिकल जो बार जाते हैं वो दिखा दिया है, उसको एल कितना मारा है, कितने का एल है और शॉर्ट बार लॉन्ग बार दिखा दिया है। ये कॉलम का रेइंफोर्समेंट यहाँ पे उन्होंने नोट किया है, ऑल डायमेंशन और इन मिलीमीटर्स है, डू नॉट स्केल योर ड्राइंग, रीड इन इट जंक्शन योर रिलेवेंट आर्किटेक्ट ड्राइंग। उसके बाद दिखा दिया है कंक्रीट कैसे मिक्स करते हैं, क्लियर कवर कितना दिखा है वो भी दिखा दिया है कि फुटिंग में 50 mm, कॉलम में 35 mm और स्लैब में 15 mm और बीम में 25 mm, ये क्लियर कवर दिखा दिया है। तो ये पूरा डिटेल आप पढ़ के फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वीडियो आपको एक नॉलेजेबल वीडियो है, तो इस वीडियो को आप देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।